हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल, लेट्स क्रैक यूपीएससी ईएससी एंड गेट। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जीएस पेपर वन एनवायरमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। आर यू रेडी? इफ यू गाइस आर रेडी, गिव अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो दैट यू गाइस आर रेडी। फाइन, आइए आगे बढ़ाते हैं। बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक। डोंट टेक दिस कोरोना वायरस इशू लाइटली। जितना मैक्सिमम हो सके अपने घरों में रहें। गवर्नमेंट के एडवाइजरी को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एडवाइजरी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक। और आप खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अपना ध्यान रखें, बिकॉज हेल्थ गाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट सेशन। माई सेल्फ अजीत तिवारी, हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स नाउ, एंड मैं आपको अभी इस चैनल पे ईएससी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सी दिस एनवायरनमेंट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर ईएससी, इसके साथ साथ जितने आप एग्ज़ाम दोगे, जहाँ जहाँ जनरल स्टडीज पूछी जाती है, हर जगह एनवायरनमेंट आता है, आप जानते हो। फाइन गाइस, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। इफ यू हैविंग एनी क्वेरीज, एनी डाउट, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। फाइन, दिस इज माई फोन नंबर, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल t.me/ajitlive। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डू इट नाउ। एंड दिस इज माई यूट्यूब चैनल अजीत तिवारी सर, जिस पर मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन करता हूँ। ओके माई डियर स्टूडेंट्स, सो होप आप बिल्कुल फिट होंगे, फाइन होंगे, और आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। सो लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप अपने घरों में रहें और पढ़ाई करें, हम अपने घरों में रहें और आपको पढ़ाएं। फाइन, सो गाइस आप जानते हो, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डू इट नाउ। फाइन, एंड सी वेरी इकोनॉमिकल सब्सक्रिप्शन प्लान फॉर 12 मंथ, फी इज 25,000। गाइस अगर आप कोड यस यहां पे अप्लाई करते हो अजीत लाइव, डिस्काउंट ऑफ 10% इट बिकम 22,500। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, फॉर 2 ईयर 24 मंथ्स, फी इज 30,000, एंड वाइल अप्लाइंग कोड इन द बॉक्स अजीत लाइव, डिस्काउंट ऑफ 10% एंड ओनली 27,000। कैन यू इमेजिन, 27,000 पूरा टेक्निकल, पूरा जीएस, अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज टू यू गाइज। सो मस्ट ज्वाइन दिस इफ यू आर undergraduate or just have started preparation। अगर आपने एक साल offline coaching करी है, तैयारी करी है, then you can go for the 1 year program और अपने weak areas को top educator से, अपने branch के, चाहे आप mechanical के हो, चाहे आप electrical के हो, चाहे आप ECE के हो, आप अपने अपने topic को strong करें। And guys, in GS we are having ultimate team available on the platform। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग योर कैरियर काउंसलिंग, रिगार्डिंग योर सब्सक्रिप्शन, फील फ्री टू आस्क, नो इश्यू एट ऑल। लेट्स रिवाइज सेगमेंट। अब जानते हो मेरी क्लासेस में 3 सेगमेंट्स होती है गाइज। वन इज लेट्स रिवाइज, वन इज लेट्स लर्न, एंड वन इज लेट्स रिकैप। तो आइए देखते हैं लेट्स रिवाइज सेगमेंट में आपके लिए बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स में कौन कौन सी बातें आपके लिए अवेलेबल है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हमने पिछली क्लासेस में बात की थी आपसे व्हाट इज स्पीसीज। गाइस बी क्विक, लिसन वेरी केयरफुली, बी अटेंटिव। हमने आपसे बात की थी व्हाट इज स्पीसीज। मैंने बताया था कि व्हेन इंडिविजुअल्स कैन इंटरब्रीड एंड कैन फॉर्म फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, दे आर सेड टू बी मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। अगर वो आपस में प्रजनन कर पाएं और ऐसे बच्चे पैदा करें जिनमें क्षमता हो कि वो पीढ़ी को आगे बढ़ा पाए,
दे आर सेड टू बी मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। एक निश्चित क्षेत्र में एक ही जाति के सदस्यों के समूह को आप बोलते हो पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स दैट बिलोंग्स टू गिवन स्पीसीज प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपकी स्पीसीज क्या है। आपके पास दो तीन ऑप्शन है, ए होमो, बी सेपियन, सी होमो सेपियन। तीन ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? ए होमो, बी सेपियन एंड सी इज होमो सेपियन। सी इज होमो सेपियन, होमो सेपियन, होमो सेपियन, होमो सेपियन, होमो सेपियन, होमो सेपियन। गाइस, हम सब का जीनस सेम है होमो, स्पीसीज इज सेपियन। एक जीनस में कई सारी स्पीसीज होती हैं, सो सेपियन इज आवर स्पीसीज। और फिर हमने समझा कि किसी निश्चित क्षेत्र में जितने पॉपुलेशंस हैं, पॉपुलेशन ऑफ ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कलेक्टिवली दे आर फॉर्मिंग कम्युनिटी। वो क्या बना रहा है? कम्युनिटी बना रहा है, समुदाय बना रहा है। एक कम्युनिटी में एक स्पीसीज के मेंबर के बीच में इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, और ये आपस में इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन कर रहे, दे आर परफॉर्मिंग इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। तो गाइज, ऑन वन हैंड बायोटिक कॉम्पोनेंट्स आर परफॉर्मिंग इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा विद इन पॉपुलेशन, इंटर बिटवीन पॉपुलेशन। ऑन अदर हैंड आपसे बात हुई थी कि ट्रॉपिकल रीजन में जब सन रेज वर्टिकल फॉल करेंगी, इंटेंसिटी लेस होगी, टेम्परेचर हाई होगा, मोर इवेपोरेशन, मोर क्लाउड फॉर्मेशन, मोर रेनफॉल, सॉइल में मोर इरोजन, सॉइल के अंदर मोर लीचिंग। सिविल वालों ने लीचिंग खूब अच्छे से पढ़ा है, यस और नो? सिविल मैकेनिकल वालों को लीचिंग के बारे में मालूम है? अगर मालूम है, आपने कभी सुना है, पढ़ा है, तो गिव अ बिग थम्स अप एंड कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, फाइन? और फिर आप देखते हो एक तरफ ए बायोटिक कॉम्पोनेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, एक तरफ बायोटिक कॉम्पोनेंट इंटरेक्ट कर रहा है, और जब दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो जो सिस्टम बनेगा उसे आप बोलोगे इको सिस्टम। Ecosystem is a system formed by interaction between interacting biotic component with that of interacting abiotic component. दोनों की आपस में पारस्परिक क्रिया हो रही है। Sun is the main source of energy, not only source of energy. We have discussed कि समुद्रों के फ्लोर पे geothermal winds, hydrothermal winds, जो थर्मली पावर्ड इकोसिस्टम है, कितनी बार समुद्र के दरारों से, क्रैक से, तली पे मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, और इस लावा की जो एनर्जी है, जो इसमें बेसाल्टिक कंपोनेंट है, जो सल्फरस कंपोनेंट है, उससे कुछ रसायन पोषित बैक्टीरिया एनर्जी लेकर अपनी फूड चेन को कंटिन्यू करती हैं, जबकि वो समुद्र के तली में अप्रकाशित क्षेत्र में मौजूद होती हैं। याद आया, हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में करा है। गाइस, अगर आप में से किसी को याद नहीं आ रहा है तो आप मेरे लेक्चर 1, 2, 3 देखें। और फिर हमने बात किया था आपसे व्हाट इज एटमॉस्फेयर, गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ सरफेस। ये गैस कहाँ से निकल रही है? पृथ्वी के अंदर से। तभी तो आपकी जो वायुमंडल है इट इज एंडोजिनस। कैसा है? एंडोजिनस है। इसके मीनिंग ये हुई कि अर्थ के इंटीरियर से गैसें रिलीज हो रही है। एंडोजिनस ओरिजिन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। गैसें कहाँ से निकल रही है? अर्थ के इंटीरियर से निकल रही है। और फिर हमने समझा था जहां तक टेम्परेचर घटेगा ट्रोपोस्फेयर, बढ़ेगा स्ट्रेटोस्फेयर, घटेगा मेजोस्फेयर, बढ़ेगा थर्मोस्फेयर, एंड बियॉन्ड इज एक्सोस्फेयर। कुछ याद आया गाइस? फिर रिपीट कर रहा हूं, नहीं याद आ रहा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखें फॉर एग्जैक्टली कंसेप्ट क्लियरिटी। और फिर मैंने आपको समझाया था ट्रोपो, स्टेटो, मीजो, थर्मो। आपसे बात हुई थी वे सारी सब्सटेंसेस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द लोअर एटमॉस्फेयर जो शॉर्ट वेव्स के लिए ट्रांसपेरेंट हैं, शॉर्ट वेव्स को जाने देंगी, और जब यही शॉर्ट वेव्स अर्थ सरफेस से लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में एमिट होंगी तो उन्हें एब्जॉर्ब करेंगी।
That means all those gases components present in the lower atmosphere which are transparent to short waves. Short waves को जो sun से insulation आ रहा है, incoming solar radiation आ रहा है, उन्हें वो जाने देंगी. लेकिन जब earth के surface ही long waves के form में emit होंगी, तो उसे ये absorb करेंगी. इसे आप बोलोगे green house gases. What are green house gases? Those gases, those substances present in the lower atmosphere जो short waves के लिए transparent हैं और long waves को absorb करेंगी, उन्हें आप green house gases बोल रहे हो. ठीक. और ये responsible है कि earth surface long waves को emit कर रही है, responsible for behaving as a heat source. और जब आप पृथ्वी की सतह से दूर जा रहे हो, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी हो रही है, called as NLR, सामान्य ह्रास दर, normal lapse rate. Rate is lapse of 6.5 degree centigrade per kilometer. Lapse of 1 degree centigrade per 165 meter height. ठीक. और फिर आपसे बात हुई थी कि इन स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन मंडल है. जो ओजोन ट्रोपोस्फेयर में है वो निगेटिव ओजोन, टॉक्सिक ओजोन, बैड ओजोन, विच इज कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, PCS. ओजोन प्रेजेंट इन द स्ट्रेटो इज गुड ओजोन. इसे आप गुड ओजोन बोलते हो, इसे आप पॉजिटिव ओजोन बोलते हो, इसे आप प्रोटेक्टिव ओजोन बोलते हो. और ये ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बेहतरीन ट्रिक है, यूवी इज ऑफ थ्री टाइप. यूवी ए अच्छी वाली, यूवी बी बुरी वाली, यूवी सी जानलेवा लिथल, सी इज लिथल. ठीक. ओजोनोस्फेयर मोर देन 90% यूवी सी को शॉर्ट वेवलेंथ मोर एनर्जी, मोर देन 50% यूवी बी को और फ्रैक्शन ऑफ येलो ग्रीन और इन्फ्रा रेड को एब्जॉर्ब करती है. और जब इनको ये एब्जॉर्ब करके एमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर. ट्रोपो में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान का घटना, NLR का फॉलो होना, स्ट्रेटो में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना, दिस अपोजिट ट्रेंड इज कॉल्ड एज थर्मल इन्वर्जन. हिंदी में बोलते हैं ताप की विलोमता. माय डियर फ्रेंड्स, आगे बात करेंगे. कई बार ट्रोपोस्फेयर में भी टेम्पररी थर्मल इन्वर्जन होती है. विल डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस, हम उसके बारे में बात करेंगे. फाइन. थिकनेस ऑफ ओजोन मंडल is measured in Dobson unit. One Dobson unit equals to 1 ppb part per billion. एक du बराबर 1 ppb part per billion. आगे बात होगी आपसे conventions protocols में. Montreal protocol is regarding ODS, ozone depleting substances. और फिर आप देख रहे हो कि for mesosphere मध्यमंडल ओजोनोस्फेयर इज बिहेविंग एज ए हीट सोर्स. ये हीट सोर्स जो खुद यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए जब आप मेसोस्फेयर से दूर जाते हो, सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर से दूर जाते हो, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है. क्योंकि ओजोनोस्फेयर एक यूनिफॉर्म हीट सोर्स नहीं है, इसीलिए कोई फिक्स लैप्स रेट मेसोस्फेयर में मध्यमंडल में फॉलो नहीं होती. एंड लोवेस्ट टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान, लोवेस्ट टेम्परेचर इन एटमोस्फेयर इज प्रेजेंट इन मेसोस्फेयर. न्यूनतम तापमान वायुमंडल में मेसोस्फेयर में मिलती है. गाइस, हमें इस बात समझने की जरूरत है. थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर विथ इंक्रीज इन हाइट, आप देखोगे एज इट इज अंडर डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ सन. ठीक गाइस, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखें. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. मैं बहुत साइड हो जा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी से साफ साफ दिखाई दे. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन कि कैसे कैसे आप देख पा रहे हो
कि एटमॉस्फेयर में चीज़ें कैसे कैसे चेंज हो रही हैं। ट्रोपो में टेम्परेचर घट रहा है, स्ट्रेटो में टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक, मीजो में टेम्परेचर आप देख रहे हो लोवेस्ट है, एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इज फाउंड इन द मीजोस्फेयर। और फिर आप देख पा रहे हो कि थर्मोस्फेयर में एज इट इज डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ सन, चूंकि सर के सन के सीधे इफेक्ट में है, तो विद इंक्रीज इन हाइट आप देख पा रहे हो कि देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके गाइस, तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है, फाइन। सो गाइस, लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ट्रोपो टेम्परेचर घट रहा है, स्ट्रेटो बढ़ रहा है, मीजो घट रहा है, एंड थर्मोस्फेयर में हाइएस्ट टेम्परेचर इज फाउंड। फिर मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम क्या है, कैसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, हु गेव द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक। हैव अ लुक, टेंसले गेव द टर्म इकोसिस्टम, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। गाइस, आपको स्क्रीन पे एक मरीन इकोसिस्टम दिख रहा है। फिर आप देख पा रहे हो कैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ठीक। और फिर आगे मूव कर रहे हो, कम्युनिटी एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट कर रहा, बना रहा इकोसिस्टम, और फिर बायोस्फेयर। अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं तो स्पेशियल डायमेंशन ऑफ इकोसिस्टम इज हाईली वेरिएबल। वन ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग फ्यू बैक्टीरिया अप टू द होल अर्थ, एक पानी की बूंद जिसमें कुछ बैक्टीरिया से लेकर संपूर्ण पृथ्वी, होल अर्थ, व्हेन होल अर्थ इज टेकन एज इकोलॉजिकल मॉडल, जब आप संपूर्ण पृथ्वी को लोगे एज इकोलॉजिकल मॉडल, इट इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम, उसे बोलेंगे इकोस्फेयर। क्या बोलेंगे, इकोस्फेयर। व्हाट इज इकोस्फेयर, व्हेन होल अर्थ इज टेकन एज इकोलॉजिकल मॉडल इट इज कॉल्ड एज इकोस्फेयर। व्हाट इज इकोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अध्ययन को आप इकोलॉजी बोलते हो, ठीक। फैक्टर क्या है, बताया था आपको, कोई फोर्स, कोई सब्सटेंस, कोई कंडीशन जो किसी भी तरीके से प्रभावित करे, इट इज कॉल्ड एज फैक्टर। और अगर इकोलॉजी की स्टडी के दौरान आपका फोकस किसी एक खास स्पीसीज पे होगी, उसे आप बोलोगे ऑट इकोलॉजी। मतलब अगर आपने सिर्फ ग्रासेस की स्टडी करी कि ग्रासेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनका टैक्सोनॉमिक पोजिशन क्या है, वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, वो क्या रोल परफॉर्म कर रही हैं, उसे बोलेंगे ऑट इकोलॉजी। When focus is on entire community, पूरे समुदाय पे है, it is called as synecology. And always, my dear students, synecology is more accurate. Alexander von Humboldt is father of ecology, क्योंकि यही वो पहले person थे जिन्होंने organism और environment के बीच के interaction को पढ़ा। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो डॉक्टर आर डी मिश्रा, रामदेव मिश्रा is called as father of इंडियन इकोलॉजी। और फिर गाइज आपसे बात हुई थी, ठीक, चूंकि एक लंबा गैप हो गया था, आई एम गिविंग यू क्विक रिकैप ताकि अब रेगुलर क्लासेस आएंगी। आपसे बात हुई थी कि अगर इकोसिस्टम ए है, इकोसिस्टम बी है, दोनों दूर दूर हैं, तो कोई जोन ऑफ ट्रांजिशन नहीं बनेगा, कोई इकोटोन नहीं बनेगा। अगर दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, क्रॉस हैश्ड रीजन बनेगा, जोन ऑफ ट्रांजिशन बनेगा, तो ये बीच में बनाएंगी आपस में इकोटोन। दैट मीन्स इकोटोन दो इकोसिस्टम के बीच का जोन ऑफ ट्रांजिशन है। अगर ये इकोसिस्टम ए है, अगर ये इकोसिस्टम बी है, दोनों के बीच जोन ऑफ ट्रांजिशन है, तो ही जाके इकोटोन की फॉर्मेशन हो रही है। अगर ये दूर दूर है, कोई जोन ऑफ ट्रांजिशन नहीं है, तो कोई इकोटोन नहीं बन रहा है, ठीक। फिर मैंने गाइस आपको एग्जांपल दिया था कि इकोटोन के बारे में समझ लिया था हमने कि जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम, एंड एज इट इज जोन ऑफ ट्रांजिशन, इट हैज हाई वैल्यू ऑफ स्पीसीज रिचनेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एज द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम एट द एज और मार्जिन ऑफ एडजेसेंट इकोसिस्टम, इट इज कॉल्ड एज एज इफेक्ट।
और प्रिंसिपल ऑफ एजेस, चूंकि यहां पे एज और मार्जिन पे जैव विविधता ज्यादा है, इस क्रॉस हैच रीजन में दोनों स्पीसीज की जातियां हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, तभी इस संक्रमण क्षेत्र में जोन ऑफ ट्रांजिशन में हाई वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। इसी को बोलते हो आप एज इफेक्ट और प्रिंसिपल ऑफ एजेस। एज इफेक्ट और प्रिंसिपल ऑफ एजेस मीन्स कि भाई दोनों इकोसिस्टम के एज और मार्जिन पे हाई वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। आइए इस बात को और समझते हैं। एग्जाम्पल सवाना, क्या है सवाना? फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच का जोन ऑफ ट्रांजिशन। व्हाट इज एस्चुरी? रिवर और ओशन के बीच का जोन ऑफ ट्रांजिशन। ध्यान से समझिएगा, हैव अ लुक। अगर ये फॉरेस्ट है, अगर ये ग्रासलैंड है, इस फॉरेस्ट के कुछ कुछ ट्रीज यहाँ प्रेजेंट हैं और इनके फ्लोर पे ये कुछ कुछ ट्रीज प्रेजेंट हैं जिनकी टॉप फ्लैट है, थॉर्नी लीव्स है, और इनके फ्लोर पे ग्रासलैंड है। इस दोनों के जोन ऑफ ट्रांजिशन को आप बोलते हो सवाना। ठीक, एस्चुरी क्या है? जिस पॉइंट से नदी की उत्पत्ति होती है उसे आप बोलते हो हेड। नदी जहां से शुरू होती क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और जहां पर रिवर टर्मिनेट होगी उसे आप बोलते हो माउथ। हिंदी बोलते नदी का मुहाना। दो केस है। अगर रिवर के माउथ डूबा है, सबमर्ज है, व्हेन द माउथ ऑफ रिवर इज सबमर्ज, नदी का मुहाना डूबा है, दिस इज द केस एस्चुरी इज फॉर्म्ड। अगर ऐसा हो जाए कि ये रिवर का माउथ है, और माय डियर फ्रेंड्स आप देखो अगर ये ओशन है, क्या हो रहा है? रिवर अपनी जो लाइफ में जो इरोजन करी है, सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड एट द माउथ ऑलमोस्ट इन ट्रायंगुलर फॉर्म, और ये बनाती हैं डेल्टा। ठीक, डेल्टा के केस में नदी का मुहाना समुद्र में डूबा नहीं होगा। इन द केस ऑफ एस्चुरी माउथ ऑफ रिवर इज सबमर्ज, नदी का मुहाना डूबा होगा इन द केस ऑफ एस्चुरी। ठीक माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप मुझे इंडिया के दो नदियों के नाम बताओगे जो एस्चुरी फॉर्म करती हैं? नेम ऑफ टू रिवर ऑफ इंडिया, ये वेस्ट फ्लो करती हैं, अरेबियन सी में फ्लो करती हैं। एक का नाम एन से है, दूसरे का टी से है। मैंने खूब आपको हिंट दे दिया, सो गो फॉर दैट, देख लीजिए आप। ठीक, वेटलैंड इन हिंदी दलदल, लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम का, लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का जोन ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड एज वेटलैंड। इन हिंदी दलदल, वेटलैंड क्या है? लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का जोन ऑफ ट्रांजिशन। क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट? ध्यान सुनेगा, अब यहां से बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। अभी तक मैंने क्या किया, पीछे की क्लासेस को क्विक फास्ट रिकैप करा दिया। अगर हम में से किसी को समझ में कम आया माय डियर फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। क्या करेंगे आप प्रीवियस क्लासेस को देखेंगे, आप जो इसी चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं आप उसे प्लीज देखें, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। फाइन, क्वेश्चन इज हिंदी में बोलते पारिस्थितिक समतुल्य। ध्यान सुनिएगा, इंडिविजुअल्स दैट ऑक्यूपाई डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो अलग अलग क्षेत्रों में उनका भौगोलिक वितरण है। सपोज काउ ऑफ इंडिया, कंगारू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों का अलग अलग क्षेत्र है, दोनों की फैमिली टैक्सोनॉमिक पोजीशन अलग अलग है, सिर्फ इनका एक चीज कॉमन है, वो है उनका इकोलॉजिकल रोल। अगर काउ हर्बीवोर है तो कंगारू भी हर्बीवोर है। जब इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाई करेंगी अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन, अलग अलग टैक्सोनॉमिक पोजीशन, एंड दे हैव सेम इकोलॉजिकल रोल,
same trophic needs, same functional role, they are said to be ecological equivalent to each other. हिंदी में बोलेंगे पारिस्थितिक समतुल्य. क्या है पारिस्थितिक समतुल्य? Have a look on screen. Individuals that occupy different geographical location, इनका भौगोलिक क्षेत्र दूर दूर है. Different taxonomic position, उनकी वर्ग की, उनका खानदान अलग है. But they have same ecological role, उनका same food habit है, उनका trophic level है, उनका ecological function है. Then they are said to be ecological equivalent to each other, उन्हें आप बोलोगे पारिस्थितिक समतुल्य. क्या बोलोगे आप? पारिस्थितिक समतुल्य. आइए इसको जरा और क्लियर करते हैं. काउ ऑफ इंडिया, कंगारू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दोनों का ज्योग्राफिकल लोकेशन दूर दूर है, दोनों की फैमिली एक फैमिली अलग है, दोनों का रोल सेम है, ये भी हर्बीवोर है, ये भी हर्बीवोर है. बफेलो ऑफ हरियाणा, हरियाणा की भैंस, मिथुन ऑफ अरुणाचल. ठीक, बफेलो ऑफ हरियाणा लोकेशन अलग है, मिथुन ऑफ अरुणाचल लोकेशन अलग है, भौगोलिक रूप से दूर हैं, दोनों की फैमिली खानदान अलग है, स्पीसीज अलग है, सिर्फ उनका एक चीज़ रोल है, उनका ट्रॉफ सेम है, उनका ट्रॉफिक लेवल, उनका इकोलॉजिकल रोल, दोनों के दोनों क्या है, बोथ ऑफ देम आर हर्बीवोर, घास बक्षी. ठीक, इस बात को समझने के बाद आइए देखते हैं एक टर्म है इकोलॉजिकल गिल. तो गाइस लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट में आप तीन बातों पे गौर फरमाते हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन दूर दूर हो, टेक्सोनॉमिक पोजीशन अलग अलग हो, सिर्फ उनका फूड हैबिट, ट्रॉफिक लेवल, इकोलॉजिकल रोल सेम हो, उन्हें आप बोलोगे इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट. व्हाट इज इकोलॉजिकल गिल्ड? मैंने कहा सुंदरवन में जो अलग अलग जात के फूल हैं, उन फूलों में जो खास किस्म के नेक्टर है, ध्यान सुनिएगा, वे सारे इंसेक्ट्स जो उन नेक्टर पे फीड करते हो, ऑल इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन नेक्टर, एक तरफ ये सारे इंसेक्ट्स बना रहे हैं इकोलॉजिकल गिल्ड. यानी गिल्ड इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीसीज. ठीक, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीसीज बट एक्सप्लॉइट सेम क्लास ऑफ रिसोर्स ऑलमोस्ट इन सिमिलर मैनर. अलग अलग जातियों के होंगे लेकिन एक खास किस्म के संसाधन का दोहन एक खास तरीके से करेंगे. दे आर सेट टू बी इकोलॉजिकल गिल्ड. दस मेंबरशिप इन गिल्ड इन ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं गिल्ड की बात करूं तो गिल्ड के सदस्य इस आधार पर बनेंगे कि क्या वो किसी खास संसाधन के लिए आपस में एक समान तरीके से कॉम्पीट कर रहे हैं. Whether they are competing for the same class of resource almost in similar manner. आइए my dear friends इसके और examples लेके इसकी clarity को और ultimate करते हैं. आइए देखते हैं one by one. Let's make it more clear. बहुत ध्यान से देखिएगा. Pollination एक word है. Pollination. इस process में क्या होता है? अगर मैं फूलों की बात करूं तो फूलों के मेल पार्ट, मेल को सिंबल आप ऐसे लिखते हो, फूलों के फीमेल पार्ट सिंबल ऑफ फीमेल, फूलों के मेल पार्ट जिसे आप एंथर बोलते हो, जब ये मेल पार्ट एंथर मैच्योर होगा तो ये फूटेगा तो यहां से निकलेंगे पराकण, इन हिंदी कॉल्ड एज पॉलन ग्रेन्स. हिंदी में पराकण बोलते हो, हिंदी में कॉल्ड एज पराकण पॉलन ग्रेन्स. कुछ लोगों को कुछ खास किस्म के पॉलन ग्रेन से, फूलों के पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, उस बीमारी को बोलते हैं हे फीवर. हे फीवर इज एलर्जी ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स. हे फीवर इज एलर्जी ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स.
आइए गाइस इस बात को और समझते हैं। वो प्रोसेस जिसमें ये पॉलन ग्रेन्स मेल पार्ट से फूलों के स्टिग्मा, ये फूलों में स्टिग्मा होता है, इसे बोलते हैं फीमेल पार्ट स्टिग्मा, STIGMA, इसे बोलेंगे स्टाइल, यानी फूलों में महिलाओं के पास स्टाइल है, इसे बोलेंगे ओवरी। जानते हो आप फीमेल के पास ओवरी है, ठीक। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, पॉलिनेशन में क्या होना है, मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन्स की ट्रांसफर इस फीमेल पार्ट पे होना है, स्टिग्मा पे होना है। इसी स्टिग्मा पे पहचान होगी कौन अपना कौन पराया। फीमेल पार्ट अपने स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स को स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और जो दूसरे के हैं उसे रिजेक्ट करेंगे, ठीक। बाद में क्या होती है, यहीं पे पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा और वो बनाएगा पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगा फाइनली स्टाइल में आके ओवरी में रिलीज करेगा मेल गैमिट्स। ये मेल गैमिट ओवरी को फर्टिलाइज करेगा और इसी ओवरी से बन जाएगा फल, फ्रूट्स। बहुत ध्यान सुनना, मैंने बिल्कुल कंसेप्ट को लिंक कर दिया ताकि 100% क्लैरिटी हो जाए। जितने आप फल खाते हो, ठीक, उसमें आप ओवरी ही खाते हो। ऑल फ्रूट्स इन विच ओवरी इज एडेबल दे आर कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट्स। कुछ फल ऐसे हैं जिसमें आप ओवरी नहीं खाते हो, वो नकली फल है, जैसे कि एप्पल, एप्पल में थैलमस खाते हो, नकली फल है, ठीक। आइए इस बात को और समझते हैं। तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया अगर नहीं होगी, कैन यू इमेजिन कि फार्मर ने पे किया फॉर सॉयल, पे किया फॉर फर्टिलाइजर, पे किया फॉर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कई बार जमीन पुश्तैनी है उसके लिए पे नहीं किया, लेकिन ये सारी चीज़ें होती रहें और एक कार्यक्रम न हो, पॉलिनेशन न हो, तो कोई आप अनाज, गेहूं, चावल, जिसे बोल धान बोलते हो, ठीक, दलहन, सब्जियां, कुछ आप इमेजिन नहीं कर सकते। दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड्स, पॉलिनेशन होगी तो ही फ्रूट फॉर्मेशन होगा, एंड इन द वर्ल्ड ऑफ साइंसेस, साइंस की भाषा में गेहूं एक फल है, ठीक, धान एक फल है, दलहन एक फल है, उस फल का नाम, गेहूं और धान के फल का नाम कैरियोप्सिस है, ठीक। ये सब आप जो और एग्जाम दोगे वहां पूछता है, ठीक, कि भाई गेहूं में क्या खाओगे, कैरियोप्सिस खाओगे, कैसे लिखते हो, CARYOPSIS, सुनेंगे बहुत ध्यान से। अलग अलग किस्म के फूल हैं, अलग अलग जातियों के फूल हैं, इन सब में विंड इस कार्यक्रम को कर रही है। विंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम ए मेल पार्ट एंथर टू स्टिग्मा, यानी ये सारे फूल अलग अलग जातियों के होने के बावजूद दे आर एक्सप्लॉइटिंग विंड फॉर द सेम प्रॉपर्स फॉर द सेम पर्पज ऑफ पॉलिनेशन। ये आपस में बना रही है इकोलॉजिकल गिल्ड, क्यों, क्योंकि एक खास किस्म को, खास किस्म के रिसोर्स को, विंड को सेम पर्पज के लिए ये एक्सप्लॉइट कर रही हैं। जब पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो उसे आप बोलते हो एनिमोफिली, विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन। ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, जब इंसेक्ट्स करेंगी पॉलिनेशन, अलग अलग जात के इंसेक्ट्स करा रही पॉलिनेशन, इसे बोलते हैं हम एंटोमोफिली। ये सब आपस में बना रही हैं इकोलॉजिकल गिल्ड, अलग अलग जात के होने के बावजूद ही करा रही है पॉलिनेशन, ठीक। तो गाइस कितनी बातें हुई, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट हम समझ चुके हैं, इकोलॉजिकल गिल्ड समझ चुके हैं, इकोसिस्टम हमने रिवाइज किया इसलिए ताकि आपको ये टॉपिक में समझा पाऊँ। हमने समझा कि टेंसलेन ने बताया कि सिस्टम, ऐसा सिस्टम विच इज फॉर्म्ड बाई इंटरैक्टिंग बायोटिक कॉम्पोनेंट विद दैट ऑफ इंटरैक्टिंग ए बायोटिक कॉम्पोनेंट, उसे आप बोलते हो इकोसिस्टम। अगर कोई इकोसिस्टम टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, सन के अलावा अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी वहां पे डोमिनेट कर रही हैं, ठीक, नाम से देखो टेक्नो इकोसिस्टम। क्या मैं साइड जा रहा हूं, आप ध्यान से देखो स्क्रीन पे, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन,
क्वेश्चन इज कैसा सिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, ये टर्म नावेह ने दिया, ठीक। सन के अलावा अदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी यहां पे डोमिनेट कर रही है। कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, टेक्नो इकोसिस्टम आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोसिस्टम एंड एज दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस, एज दे आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस माय डियर फ्रेंड्स, ठीक, दे बिहेव एज एनर्जेटिक आइलैंड, ये एक एनर्जेटिक आइलैंड की तरह बर्ताव करेंगे। मीन्स की मीनिंग ये हुई कि अपने आस पास के क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पे जीवाश्म ईंधनों का, कोल और पेट्रोलियम का खपत ज़्यादा है, कंजम्पशन हाई है, और जब कोल पेट्रोलियम की कंजम्पशन हाई होगी, दिस विल कॉज हाई लेवल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये ग्रीन हाउस गैसेस पॉल्यूटेंट्स रिलीज करेंगी। ये ग्रीन हाउस गैसेस और पॉल्यूटेंट्स जो टेक्नो इकोसिस्टम रिलीज कर रहा है वो आसपास के क्षेत्रों में दूर दूर तक जाएगा, ठीक, और ये टेक्नो इकोसिस्टम आसपास के क्षेत्रों के लिए पे बर्ताव करेगा एज ए पैरासाइट, एज ए परजीवी। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, नावे गेव द टर्म टेक्नो इकोसिस्टम, ठीक, दिस आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोसिस्टम दैट बिहेव्स एज एनर्जेटिक आइलैंड, एज कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम इज वेरी हाई, दिस कॉजेज हाई लेवल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये आस पास के क्षेत्रों में हाई लेवल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज करेगा, ठीक। इट बिहेव्स एज पैरासाइट ऑन इमीडिएट सराउंडिंग, ये अपने इमीडिएट सराउंडिंग एरिया पे एक परजीवी की तरह, पैरासाइट की तरह बर्ताव कर रहा है। आप में से कितने लोगों के पास गांव है, जिन्होंने गांव देखा है, अगर आपके गांव के आसपास कोई कस्बा है, कोई टाउन है, कोई सिटी है, तो उस सिटी में जो पावर कंजम्पशन हो रही है, जो लोग एसी गाड़ियां यूज़ कर रहे हैं, एमिशंस कर रहे हैं, वो सारे पॉल्यूटेंट्स आपके गांव की तरफ आ रहे हैं। इन दिस एग्जाम्पल दिस सिटी कस्बा टाउन इज बिहेविंग एज टेक्नो इकोसिस्टम, बिहेविंग एज ए पैरासाइट, एंड योर विलेज इज बिहेविंग एज ए होस्ट, जिसे मुफ्त के पॉल्यूटेंट्स, मुफ्त के पॉल्यूशन उस टाउन से, सिटी से मिल रहा है। ओके गाइस, सो दिस वाज अबाउट टेक्नो इकोसिस्टम, ऐसा इकोसिस्टम जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो। हैव अ लुक, आप देख पा रहे हो कुछ आपको इकोसिस्टम्स दिख रही हैं, ठीक। रेन फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड कौन है, बात करेंगे आपसे। एक्वेटिक इकोसिस्टम, 20% ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन अमेजन फॉरेस्ट, माय फ्रेंड्स, जो लोगों ने नेचर के साथ छेड़छाड़ किया है उसी का खामियाजा हम लोग आजकल पूरा विश्व भुगत रहा है इन द फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस आउटब्रेक। लोगों ने वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है, वाइल्ड एनिमल्स को खाना चाइनीज लोगों ने स्टार्ट कर दिया, ठीक, डिफॉरेस्टेशन करी तो वायरस एनिमल के वायरस ह्यूमन में आए और अब पूरे विश्व के लिए ग्लोबल थ्रेट बन चुका है, आप देख रहे हो। सो वी हैव टू बी हाईली कॉशियस इन दैट। क्वेश्चन इज क्या है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ध्यान सुनेंगे आप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है। रीज और वेकरनेगल नामक साइंटिस्ट ने कंसेप्ट दिया ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इन्होंने कहा स्मॉल इज ब्यूटिफुल, यानी अगर किसी भी टेक्नो इकोसिस्टम का फुटप्रिंट की वैल्यू कम है तो बेहतरीन है। अभी बहुत अच्छे से समझेंगे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसेंट कॉन्सेप्ट, सो इनके कई एग्जामों में पूछे जाने की संभावना प्रबल है। स्मॉल इज ब्यूटिफुल, समझेंगे ये क्या बोलना चाह रहे थे रीज और वेकरनेगल। क्या है इकोसिस्टम, इन्होंने कहा कि इट इज डिफाइंड एज एन एरिया प्रेजेंट आउटसाइड एनी गिवन टेक्नो इकोसिस्टम, किसी भी टेक्नो इकोसिस्टम के बाहर मौजूद एरिया जो क्या करेगी, जो दो काम करेगी,
that is required to support life activities by fulfilling the demand of techno ecosystem. ठीक, demand of fresh food, water, air अगर मिल पाए तो. टेक्नो इकोसिस्टम, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स, दिल्ली के लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए डिमांड ऑफ फ्रेश फूड, वाटर, एयर, कितने दूर के एरिया से रिसोर्सेस आ रही है. ठीक, सब्जी, फल, दूध, अनाज, चूंकि दिल्ली में तो खेती हो नहीं रही है, जो सराउंडिंग एरिया दिल्ली का है, जो दिल्ली के डिमांड को पूरा कर रहे हैं, वो दिल्ली का टेक्नोलॉजिकल, दिल्ली का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है. ठीक, यही वो एरिया है जो दिल्ली के पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, दिल्ली के ट्रैफिक के एमिशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक, सराउंडिंग एरिया आउटसाइड एनी गिवन टेक्नो इकोसिस्टम required to fulfill demand of techno ecosystem and absorb pollutants waste, this surrounding area is called as ecological footprint. ठीक, आइए इन बात को और समझते हैं. Guys, have a look on screen. इस techno ecosystem के demand को पूरा करने के लिए कहां से forest के products आ रहे हैं, कहाँ से सी फूड आ रहा है, कहाँ से लाइव स्टॉक यूज हो रहे हैं, कहाँ से क्रॉप्स आ रहे हैं, दिस सराउंडिंग एरिया रिक्वायर्ड टू फुलफिल डिमांड ऑफ टेक्नो इकोसिस्टम, जो इस टेक्नो इकोसिस्टम के डिमांड को पूरा कर रहा है, इस सराउंडिंग एरिया को माय डियर फ्रेंड्स आप बोल रहे हो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. इसे क्या बोल रहे हो? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. सराउंडिंग एरिया प्रेजेंट आउटसाइड टेक्नो इकोसिस्टम रिक्वायर्ड टू फुलफिल डिमांड. और जो ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करेंगे, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को ये फॉरेस्ट के ट्रीज फिक्स करेंगी. क्या करेंगी? कार्बन फिक्सेशन करेंगी. जितनी ये कार्बन फिक्सेशन करेंगी माय डियर फ्रेंड्स, जितनी ये कार्बन फिक्सेशन करेंगी, उतनी ये फॉरेस्ट, ध्यान सुनेगा, उतनी ये फॉरेस्ट बर्ताव करेंगी एज कार्बन सिंक. कैसे बिहेव करेंगी? एज ए कार्बन सिंक. ठीक, जितने पेड़ लगाओगे उतनी कार्बन का बिग सिंक होगा. जितना कार्बन का बिग सिंक होगा, उस कार्बन को बोलोगे आप, पढ़ेंगे आगे आप, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा. इट विल कम इन द अपकमिंग टॉपिक्स. आइए इस बात को और समझते हैं. गाइस, लिसन वेरी केयरफुली एंड हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. बहुत ध्यान से आप स्क्रीन पर देखें. Have a look on screen. Listen very carefully. My dear friends, अगर आपके सामने टेक्नो इकोसिस्टम है, टेक्नो इकोसिस्टम वन, टेक्नो इकोसिस्टम टू, टेक्नो इकोसिस्टम थ्री, ध्यान सुनिएगा, टेक्नो इकोसिस्टम वन और टू की डिमांड बराबर है. इनकी डिमांड बराबर, डी वन वन का, डी टू टू का. ठीक, आपने क्या देखा? टेक्नो इकोसिस्टम वन के बाहर लेस ग्रीन डेंस फॉरेस्ट है, घने वन है वन के बाहर. तो एक छोटी सी एरिया टेक्नो इकोसिस्टम वन के डिमांड को पूरी कर दे रही है, बिकॉज दिस सराउंडिंग एरिया में क्या है? डेंस फॉरेस्ट. यानी सराउंडिंग एरिया की रिसोर्स रीजनरेटिंग कैपेसिटी हाई है. इसे बोलते हैं बायो कैपेसिटी. क्वेश्चन इज, क्या है बायो कैपेसिटी? बायो कैपेसिटी इज रिसोर्स रीजनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ टेक्नो इकोसिस्टम. ठीक, टू वाले की जो सराउंडिंग एरिया है उसमें कोई डेंस फॉरेस्ट नहीं है. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. टू वाले में कोई डेंस फॉरेस्ट नहीं है. ठीक, डेजर्ट, सेमी डेजर्ट. अगर डेजर्ट, सेमी डेजर्ट, आधा रेगिस्तान है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अ लार्जर एरिया इज रिक्वायर्ड. एक ज्यादा एरिया की जरूरत टू वाले को पड़ी, क्योंकि टू वाले की
सराउंडिंग एरिया की रिसोर्स रिजनरेशन कैपेसिटी कम है, क्योंकि टू वाले की बायो कैपेसिटी कम है, बायो कैपेसिटी कम है। बायो कैपेसिटी मीन्स रिसोर्स रिजनरेशन की टेंडेंसी कम है। थर्ड वाले में, थर्ड वाला इकोसिस्टम की डिमांड बहुत कम है, ठीक। एक तो कम डिमांड और दूसरा सराउंडिंग एरिया इतना लस ग्रीन डेंस फॉरेस्ट कि छोटी सी एरिया ही उसकी पूरी की पूरी डिमांड को पूरी कर दे रही है, छोटी सी एरिया ही पूरी की पूरी डिमांड को पूरी कर दे रही है। बहुत ध्यान समझेंगे पूरे कंसेप्ट को, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। गाइस लिसन वेरी केयरफुली, हमारे पास तीन टेक्नो इकोसिस्टम है, टेक्नो इकोसिस्टम 1, 2, 3। हमने ऐसा मान लिया था कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए कि 1 और 2 की डिमांड बराबर है। किस बात की डिमांड? वहाँ पर रहने वाले लोगों की डिमांड ऑफ फूड, डिमांड ऑफ वेजिटेबल्स, डिमांड ऑफ एयर, डिमांड ऑफ वाटर। डिफरेंस इज 1 के बाहर लेस ग्रीन डेंस फॉरेस्ट है, 2 के बाहर रेगिस्तान है, एरिड और सेमी एरिड रीजन है। तो 1 की थोड़ी सी एरिया ही डिमांड को पूरी कर दे रही है, 2 में ज़्यादा एरिया की जरूरत पड़ रही है क्योंकि सराउंडिंग एरिया की संसाधनों की जनरेट करने की क्षमता, इनके पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम है, यानी सराउंडिंग एरिया की बायो कैपेसिटी कम है, ठीक। इससे समझ में ये आ रहा है तीसरे वाले में क्या हो रहा है, एक तो पॉपुलेशन का प्रेशर कम है, डिमांड कम है, दूसरा बिल्कुल लेस ग्रीन सराउंडिंग एरिया है। यानी समरी इज, नावे का जो टेक्नो इकोसिस्टम का कंसेप्ट था, जितना वो स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक आइलैंड होगा, जितनी फॉसिल फ्यूल की कंबस्टन हाई होगी, उतना वो पॉल्यूटेंट्स ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन करेगा। अब उस टेक्नो इकोसिस्टम की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पारिस्थितिक पदचिन्ह इन बातों पर निर्भर करती है कि सराउंडिंग एरिया की बायो कैपेसिटी कैसी है। अगर सराउंडिंग एरिया की बायो कैपेसिटी रिसोर्स रिजनरेशन टेंडेंसी हाई है, लेस ग्रीन डेंस फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट है, लाइक दिस, तो छोटी सी एरिया ही डिमांड को पूरी कर देगी। समरी इज, किसी भी टेक्नो इकोसिस्टम की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट 2 बातों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, डिमांड ऑफ टेक्नो इकोसिस्टम। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी आमतौर पर फुटप्रिंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। सेकेंड, बायो कैपेसिटी ऑफ सराउंडिंग एरिया। जितनी सराउंडिंग एरिया की बायो कैपेसिटी ज़्यादा होगी, लेस ग्रीन डेंस फॉरेस्ट होंगे, लेस एरिया इज सफिशिएंट इनफ टू फुलफिल द डिमांड। गाइस आपको होप्स हो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और इसी तरह आजकल हम वैल्यू ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। तो आजकल क्या समझ में आ रहा है कि थर्ड की एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम है, थर्ड की एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम है, थर्ड की स्थिरता स्टेबिलिटी ज्यादा है, थर्ड में पॉल्यूशन का प्रभाव कम है, पॉल्यूशन का प्रभाव कम है, ठीक, क्योंकि एरिया छोटी है। इसी को रीज ने कहा, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। सेकेंड वाले में पॉल्यूशन ज्यादा है, डिग्रेडेशन ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। इसी को रीज और वेकर नेगल ने कहा, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। सो गाइज, दिस वॉज अबाउट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। सी यू सेम टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत चर्चा में आजकल है कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन हैंडप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट, ऐसे सवाल आपके कई एग्जाम से पूछे जाते हैं, स्टेट सर्विसेज में पूछी जाती हैं, नेचुरल कैपिटल, इकोसिस्टम सर्विसेज। हम इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपसे मिलेंगे गाइस। सो डोंट मिस टुमारो सेशन एट द सेम टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अगर मुझे अभी तक टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया है, डू इट नाउ। लिंक इज t.me/ajitlive। अजीत तिवारी सर एट द रेट जनरल स्टडीज। अजीत तिवारी सर @ जनरल स्टडीज।
जनरल स्टडीज। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, unacademy.com/@theRateAjitLive, unacademy.com/@theRateOfAjitLive. That's all for today. Thanks for watching. See you tomorrow. Bye bye. अपना बहुत ख्याल रखें. God bless you all.